आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:53 से दोपहर 2:28 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 दिसंबर की सुबह 7:25 से दोपहर 12:05 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 11 दिसंबर की सुबह 7:29 से 8:48 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 11 दिसंबर की सुबह 7:29 से 10:04 तक रहेगा। आज सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 9:53 से दोपहर 2:28 तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 18 दिसंबर की दोपहर 2:23 से शाम 5:11 तक और शाम 7:26 से अगली सुबह 7:09 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 9 दिसंबर की दोपहर बाद 3:18 से शाम 5:46 तक और रात 8:01 से 2:08 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 11:23 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, सिंह, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 पहले और 12 बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 4:06 से 5:24 तक। मुंबई शाम 4:38 से 6:01 तक। चंडीगढ़ शाम 4:04 से शाम 5:21 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:54 से शाम 5:13 तक। भोपाल शाम 4:13 से 5:34 तक। कोलकाता दोपहर बाद 3:31 से शाम 4:52 तक। अहमदाबाद शाम 4:33 से 5:54 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा शाम 4:16 से शाम 5:42 तक।